अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर प्रिटी फाइन एंड गुड इन योर होम्स। सो आज हम आए हैं हमारे सेकंड मेथड के साथ कि हम हमारे पास्ट पेपर्स को यूज़ करते हुए किस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रेडी कर सकते हैं, एग्ज़ाम्स के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट द पास्ट पेपर्स। तो उससे हमें क्या होगा, हमें उन एरियाज और उन थीम्स का आइडिया हो जाएगा जिस पर एग्जामिनर ज़्यादा फोकस करता है। तो देखते हैं वो कौन कौन से एरियाज हैं और हम किस तरह से उसमें से बेसिक कंसेप्ट्स को लर्न करेंगे। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम द थॉर्नडाइक्स लर्निंग थ्योरी दैट व्हाट वाज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ इफेक्ट। तो बेसिक प्रिंसिपल था रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ से हमें एक की आइडिया मिला है कि हमें लर्निंग थ्योरीज को याद करना है, हमें थॉर्नडाइक के जो उस RS थ्योरी थी इसकी उसको प्रिपेयर करना है और इसके जितने भी प्राइमरी और सेकेंडरी लॉज हैं उनको हम एक दफ़ा प्रिपेयर कर लेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट हमें क्या मिला, लर्निंग थ्योरी में से थॉर्नडाइक का जो भी लॉ था उसकी थ्योरी थी, लॉज थे, उन सबको हमने प्रिपेयर कर लेना है। द नेक्स्ट वन इज़ मोस्ट ह्यूमन फेयर्स आर लर्न्ड। तो ये हमारे बिहेवियरल थ्योरी में से एक क्वेश्चन आया, डेफिनेटली ह्यूमन बिहेवियर्स आर लर्न, तो ये बिहेवियरल थ्योरी का एक क्वेश्चन है। देन मेंटल रिटार्डेशन इज रेलेवेंट टू द डाउन सिंड्रोम। तो यहाँ से हमें एक क्वेश्चन एरिया जो और थीम हमें जो समझ में आया वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, मीन्स हमें डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को अच्छे से गो थ्रू कर लेना है कि मेंटल रिटार्डेशन की वजह से कौन कौन से सिंड्रोम्स हो सकते हैं और डाउन सिंड्रोम क्या है। इसी तरह से और भी जितने भी सिंड्रोम्स हैं उन सब की टाइप्स आपने देख लेनी है जो मेंटल रिटार्डेशन की वजह से होती हैं या फिर जिन सिंड्रोम्स की वजह से मेंटल रिटार्डेशन होती है। देन द नेक्स्ट वन वाज GSR मेयर्स स्वीट ग्लैंड रिस्पॉन्स। तो गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स एक स्केल है जो मेजर करता है हमारे स्किन के कॉन्टीन्यूस वेरिएशंस को, तो हमारे इमोशंस को, हमारे साइकोलॉजिकल स्टेट्स को। साइकोलॉजिकल स्टेट्स को मेजर करने के लिए और कौन कौन से स्केल्स यूज़ होते हैं या हमारे इमोशंस को मेजर करने के लिए कौन कौन से स्केल्स यूज होते हैं, ये सब एक आइडिया मिलता है, हम उन स्केल्स को याद कर लेंगे। नेक्स्ट, न्यू बॉर्न इज रेफर्ड एज अ नियोनेट। न्यूबॉर्न को हम नियोनेट कहते हैं, तो इसके लिए हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में चाइल्डहुड के जितने भी स्टेजेस हैं उन सब के नाम याद करेंगे और उन स्टेजेस में क्या क्या होता है वो उनके फंक्शंस भी याद करेंगे। तो ये हमें एक आइडिया मिला कि हमने कहाँ से क्या चीज़ प्रिपेयर करनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द हारमोन्स। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था 2017 के PPSC लेक्चरर के एग्जाम्स में, अ हारमोन दैट इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर। तो वो कौन सा हार्मोन है जो हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है, तो दैट इज़ एपिनेफ्रिन। हम इसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं मोस्टली नॉर्मल फ्लो में। सो इससे हमें क्या आइडिया हुआ है कि हमें हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स को स्टडी करना है और उन न्यूरोट्रांसमीटर्स या हार्मोन्स का क्या फंक्शन है और वो हमारी बॉडी के किस पार्ट से रिलीज होते हैं, इस तरह से इसको प्रिपेयर करना है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियो में भी बताया कि हम बेसिकली जब हम कोई पॉइंट या आइडिया या कोई लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं या लिसन कर रहे होते हैं, हम क्रिटिकली थिंक करते हैं और अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें उससे रेलेवेंट जितने भी टॉपिक्स हैं जो उसको काउंट कर रहे हैं वो सब हमारे माइंड में आ जाएँ और हम उस टॉपिक को गो थ्रू कर लें। तो इस तरह के कंसेप्ट और थीम्स और आइडियाज़ लेके आप उसके बाकायदा नोट्स बना सकते हैं अलग अलग से। देन द क्वेश्चन इज हु रोट द बुक एंटाइटल्ड द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स। दैट बुक वॉज रिटन बाय द डार्विन। तो यहाँ से हमें पता लगा है कि हमें हिस्ट्री को अच्छे से प्रिपेयर करना है कि कौन सी बुक कौन से ऑथर ने लिखी है उसको नोट डाउन कर लेना है। तो हम इसके लिए एक अलग से नोट्स बना सकते हैं, विच बुक इज रिटन बाय विच ऑथर और साइकोलॉजिस्ट और फिजियोलॉजिस्ट, तब उनके नाम लिखें, इसी तरह से बुक का नाम लिखें और उसके राइटर का नाम थोड़ा हाईलाइट करके लिखते हैं मार्कर से। तो ये हमारे बड़े आइकॉनिक से नोट्स रेडी हो जाएंगे। द नेक्स्ट, द ब्रेन एरिया सेंटर टू लैंग्वेज प्रोडक्शन इज ब्रोकास एरिया। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को लर्न कर लेना है। हमें एक उसका आइडिया आ गया है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी एग्जामिनर नहीं छोड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट द लोब्स ऑफ द ब्रेन लोकेटेड इन द बैक ऑफ द हेड आर ऑसिपिटल लोब।
तो ये हमारी लोब्स का क्वेश्चन जो होता है ये मोस्टली पूछा जाता है, आ ही जाता है किसी ना किसी लोब के बारे में, तो हम लोब्स को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। देन द सोशल डिस्टेंस स्केल इज मेनली अ मेजर ऑफ एथनिक एटीट्यूड। यहाँ पर एक हमने जो एरिया कवर किया है वो सोशल साइकोलॉजी का एरिया है, जिसमें हमें एक स्केल का नाम बताया है कि ये बेसिकली किस एटीट्यूड को मेजर करता है। तो हमारी एटीट्यूड की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं वो आप देख लें। एक एथनिक होती है, एक रेशियल एटीट्यूड होते हैं। इनको मेजर करने के लिए कौन कौन से स्केल यूज़ किए जाते हैं और ये एटीट्यूड होते क्या हैं। देन व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल पेन किलर? एंडोर्फिन्स इज़ अ नेचुरल पेन किलर। ये भी हमारे बॉडी का एक नेचुरल हार्मोन है जो रिलीज़ होता है, हमारी बॉडी के जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं हम उनके थ्रेशोल्ड को बढ़ा देता है। तो अगर उन थ्रेशोल्ड को वो थ्रेशोल्ड बढ़ जाएँ तो उसके लिए हम जो पेन किलर लेते हैं उसमें जो भी न्यूरो ट्रांसमीटर या केमिकल यूज़ किया जाता है तो उसमें एंडोर्फिन मौजूद होती है। तो इस तरह से हम दोबारा से हमारे हॉर्मोन्स और न्यूरो ट्रांसमीटर्स को स्टडी करेंगे। तो अगर हमने पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड नोट्स बना लिए हुए हैं तो इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉर्ट आउट कर लें। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ह्यूमनिस्टिक परस्पेक्टिव एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पे आपको पता है कि ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के थ्री बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जो हमारी पर्सनालिटी के कंपोनेंट्स हैं। कौन से हैं? सेल्फ वर्थ है, सेल्फ इमेज है एंड आइडियल सेल्फ है। तो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव का जो एम्फेसाइज है वो किसके इम्पोर्टेंस पर है? हमारे सेल्फ डिटर्मिनेशन पर। तो हम ह्यूमनिस्टिक थ्योरी को अच्छे से स्टडी कर लेंगे और उसके बेसिक कंपोनेंट्स को भी स्टडी कर लेंगे। देन एलिवेशन ऑफ स्मॉल रूम्स क्रिएट फियर इन द पेशेंट्स ऑफ क्लेस्ट्रोफोबिया। तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, फोबियाज कौन क्या होते हैं और इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पर हमें एक ये आइडिया मिल रहा है कि उन्होंने एंग्जाइटी और फोबियाज के कंसेप्ट को और उसके थीम को भी कवर किया है। द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ वाज अ प्रोमिनेंट वर्क ऑफ फ्रॉइड। तो अगेन इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री। पहले हमने देखा बुक्स किसने लिखी, अब हम देखेंगे कि कौन से ऑथर ने या साइकोलॉजिस्ट ने कौन से एरिया पर ज़्यादा वर्क किया और वो प्रोमिनेंट हुआ। तो इसी तरह से हम इसकी भी नोट्स बना के प्रोमिनेंट वर्क और टर्मिनोलॉजीज गिवन बाय विच ऑथर एंड साइकोलॉजिस्ट, हम उसकी एक लिस्ट बना के इसी तरह से नोट्स उसके भी प्रिपेयर कर सकते हैं। पर्पजिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन वॉज रिटन बाय। सो अगेन एक बुक का नाम आ गया है, ये किसने लिखी? ये भी टॉलमैन ने लिखी। हम इसके नोट्स बनाए हुए होंगे तो ये क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज अकॉर्डिंग टू कार्ल रोजर्स द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी इज बेस्ड ऑन ऑर्गेनिज्म एंड सेल्फ। तो इसमें हमने क्या किया, अगर हमने नंबर 12 पे क्वेश्चन था ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव का, अगर हम उसको अच्छे से लर्न करेंगे, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी को याद कर लेंगे तो उसके नोट्स बना लेंगे, देन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन करेक्टली। ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 वॉज टेस्ट दिस मैकलेलैंड फर्स्ट यूज टू मेजर द नीड फॉर अचीवमेंट। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, हमने पर्सनालिटी टेस्ट को, चाहे वो प्रोजेक्टिव हैं या ऑब्जेक्टिव हैं, उनको एक दफ़ा प्रिपेयर कर लेना है, उनके नोट्स बना लेने हैं कि कौन से ऑथर ने कौन सा टेस्ट दिया और सबसे पहले कौन सा टेस्ट किसने यूज़ किया। द नेक्स्ट वॉज मेमोराइजिंग बाई रोट इज ऑल्सो कॉल मेंटेनेंस रिहर्सल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बार बार एक चीज़ को पढ़ते जाएंगे तो डेफिनेटली हम उस चीज़ को रटा लगा के मेमोराइज करेंगे, तो उसको हम कहते हैं मेंटेनेंस रिहर्सल। तो अब हम यहाँ पे मेमोराइजिंग की टाइप्स को याद करेंगे, कहाँ से? हम अपनी मेमोरी के चैप्टर से या फिर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के चैप्टर से या बुक से हम इन कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। विच थियरिस्ट इन्वेंटेड द कंसेप्ट ऑफ द मेथड ऑफ सेविंग्स? अब हमें मेथड ऑफ सेविंग्स का कंसेप्ट जो है वो किसने दिया था? एविन घास ने दिया था। एविन घास, अब हमें अगेन हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में से एक ये क्वेश्चन है, यहाँ पर अगेन वी विल लर्न द कंसेप्ट फ्रॉम मेमोरी एज वेल।
बेसिकली हमें यहाँ पर कौन कौन से आइडियाज़ इस क्वेश्चन पर लर्न कर लेनी चाहिए कि हमारे मेमोरी के डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं, मेमोरी की टाइप्स कैसी होती हैं, एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव द मेमोरी, और विच मेथड्स आर यूज टू इम्प्रूव द मेमोरी. सो दीज बेसिक कंसेप्ट आर टेकन आउट फ्रॉम दिस क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 20, मैनेमेनिक्स आर टेक्निक्स यूज टू इम्प्रूव मेमोरी. यहाँ पर अगेन हमारी टेक्निक्स को जिक्र किया गया है कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होती हैं, तो हम उन टेक्निक्स को मेमोराइज करेंगे. द नेक्स्ट वन इज एडिटिक मेमोरी इज मोस्ट ऑफन फाउंड इन चिल्ड्रन. हम यहाँ पर मेमोरी की टाइप्स को देख रहे हैं. तो एडिटिक मेमोरी बेसिकली क्या होती है, जिसमें हम एक पेपर पर पूरा वर्क लिख लेते हैं, अपना कुछ हाईलाइट कर देते हैं, कुछ मार्कर से लिख लेते हैं, नहीं भी लिखते हैं, हम किसी नोट्स में से या बुक में से कुछ देख रहे हैं या वीडियो में से हमने कोई चीज़ देखी है, तो हम उसको कुछ देर के लिए देखेंगे और फिर अपनी आईज को क्लोज कर लेंगे. क्लोज करने के बाद हम उस इमेज को अपने मेंटल आईज से देखने की कोशिश करेंगे. हाँ, उससे क्या होगा, हमारा जो जो भी हमारा मटेरियल है उसका एक इमेज बन जाएगा हमारे ब्रेन में. तो इस तरह से अगर हम इस चीज़ की रिहर्सल करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, तो वो चीज़ मेमोराइज हो जाती है. तो ये बेसिक कंसेप्ट हमारे चिल्ड्रन यूज़ करते हैं. तो आपने अक्सर देखा होगा वो आँखें बंद करके सुना रहे होते हैं, हम कहते हैं आँखें क्यों बंद की हैं, भी उन्होंने याद किया होगा. वो चीटिंग करने का एक तरीका होता है ये भी. सो द नेक्स्ट वन इज़ द सेंसिटिविटी ऑफ द आई टू लाइट वेरीज विद. तो हम इसमें बेसिकली आंसर जो करेक्ट करते हैं वो कर देते हैं द रीजन ऑफ द रेटिना. नो, इसमें अगर आपके पास वेव लेंथ, अडॉप्टेशन ऑफ द आई एंड द रीजन ऑफ द रेटिना, ये तीनों दिए हुए हैं, तो आप ऑल ऑफ दीज पर जाएंगे और उसको सर्कल करेंगे, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा. देन इसमें अब बताना इसमें बताना था कि ये भी न्यूरो साइकोलॉजी का चैप्टर के एरिया में से क्वेश्चन कवर किया गया है, जिसमें एनाटॉमी और फंक्शन देखेंगे हम हमारे आई का. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंग्वेज इक्विजिशन डिवाइस वाज प्रपोज्ड बाय चॉम्स्की. तो लैंग्वेज डेवलपमेंटल में से एक क्वेश्चन आ गया है कि लैंग्वेज की टाइप्स कौन सी हैं, लैंग्वेज की स्टेजेस कौन सी हैं, किसने प्रपोज्ड की, और उन सब स्टेजेस में क्या क्या होता है, ये सब आप प्रिपेयर करेंगे. देन द थेरी ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन वाज प्रपोज्ड बाय ब्रॉडबेंट. सेलेक्टिव अटेंशन, अब यहाँ से अब हमें पता लगा कि अगर ये सेलेक्टिव अटेंशन कह रहे हैं तो डेफिनेटली अटेंशन की टाइप्स भी होंगी, इसकी थेरीज भी होंगी और अटेंशन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी होंगी. तो हम उन सब अटेंशन की थेरीज और उसके टाइप्स को हम पढ़ लेंगे, लर्न कर लेंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नीड टू इम्प्रूव टुवर्ड पीपल, मूव अगेंस्ट पीपल एंड मूव अवे पीपल, प्रपोज बाय हॉर्ने. अब यहाँ पर कैरन हॉर्ने एक साइको एनालिटिक थेरिस्ट थी, एक पर्सनालिटी थेरी इन्होंने दी थी, एंड शी बिलीव दैट न्यूरोसिस रिजल्टेड फ्रॉम बेसिक एंजाइटी कास्ट बाय इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. ठीक है, अब ये न्यूरोसिस पर इन्होंने एक थेरी दी थी. न्यूरोसिस की थेरीज बहुत सारी हैं, उनमें से एक थेरी हॉर्ने ने दी थी, जिसमें इन्होंने एंजाइटी का जिक्र किया था कि दैट एंजाइटी कॉज्ड बाय द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. हम इन थेरीज को लर्न कर लेंगे और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज इन एंग्जाइटी को कॉप करने के लिए यूज़ की जाती हैं, उन टेक्निक्स को भी लर्न कर लेंगे या उनके नोट्स बना लेंगे एक प्रॉपर न्यूरोसिस की थेरीज पे या पर्सनालिटी थेरीज पे. देन डिफरेंट ऑथर्स के नाम दिए गए हैं जो हमारे इमोशंस के चैप्टर में से आपको इजीली मिल जाते हैं. डूब, डॉलर, मिलर, मोरर एंड सियर सजेस्टेड दैट ऑल अग्रेसिव एक्ट्स आर कास्ट बाय फ्रस्ट्रेशन. तो इसमें अब आपको एक थीम या एरिया मिल रहा है कि आपको इमोशंस का चैप्टर प्रिपेयर करना है. बेसिक इमोशंस कौन कौन से हैं ये देखेंगे, और उसकी इमोशंस की थेरीज कौन कौन सी हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं, और इमोशंस को की कोपिंग स्ट्रेटजीज कौन सी हैं, ये सब हम इमोशंस के चैप्टर में से प्रिपेयर करेंगे, उसके नोट्स बना लेंगे. देन द नेक्स्ट वन इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स. पिट्यूटरी ग्लैंड जो जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं वो बहुत सारे हैं, तो मोस्टली सभी के नाम दिए हुए होते हैं और हमने ऑल ऑफ दीज पे जाना होता है. तो ज़्यादातर इस तरह के एग्जामिनर आपको ऑप्शन देते हैं कि कोई एक नहीं, ऑल ऑफ दीज. अब वो कौन कौन से हैं जो हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस्ड होते हैं, वो हैं
ACTH TSH LH FSH PRL GH MSH। तो ये सारे हार्मोन्स जो अभी मैंने रिकॉल किए, ये सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट्स होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह से आप बाकी सारे ग्लैंड्स को भी देख लेंगे कि कौन से ग्लैंड्स से कौन से हार्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो उनके नाम मैं एक दफ़ा बता देती हूँ। हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय पैनक्रियास, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, एड्रेनल ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, हार्ट एंड एड्रेनल मेडुला। ये कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जहाँ से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और इन ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है वो सब आप नोट डाउन कर लेंगे और उनके नोट्स बना लेंगे। देन द नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेक्चर, द मिलग्राम एक्सपेरिमेंट्स इंडिकेट दैट प्रेशर फ्रॉम अथॉरिटी इंक्रीजेस कंप्लायंस। मतलब एक एक्सपेरिमेंट इंडिकेट करते हैं, उसके मिलग्राम की एक्सपेरिमेंट्स की एक सीरीज़ थी, वो सीरीज़ किस पर थी, ओबीडियंस टू अथॉरिटी सीरीज़ का नाम था। उसमें जितने भी एक्सपेरिमेंट्स उसने किए थे वो इंडिकेट कर रहे थे कि अगर हमें अथॉरिटी की तरफ से प्रेशर दिया जाए तो हमारा हमारी जो कंप्लायंस है वर्क की वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसी तरह से हमारे सोशल साइकोलॉजी में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स की सीरीज़ हैं, किस किस ने दी हैं और किस किस के और उन्होंने किस बेसिक थीम पर काम किया है वो आप लर्न कर लें, उनके नोट्स बना लें। तो ये बहुत से कुछ बहुत से तो नहीं कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जिनको आप अपने पास्ट पेपर्स में से कंक्लूड करके उनके थीम्स और आइडियाज़ को और एरियाज़ को कवर करके अपने नोट्स बना सकते हैं और अपने टेस्ट में कुछ वैल्यूएबल मार्क्स जो हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन बाय सेक्शन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट सेक्शन हमारा होगा इंशाल्लाह अबाउट लर्निंग, हम लर्निंग के बेसिक कंसेप्ट्स किसने दिए और उनकी टर्म्स उन्होंने कौन कौन सी यूज़ की लर्निंग के चैप्टर में, हम इन सब को अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बहुत डिटेल्ड में तो नहीं, एक आउटलाइन व्यू दूंगी, उसके बाद हम उसको डिटेल में भी देखेंगे अगर रिक्वायर्ड हुआ तो। सो अब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।